नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कोरोना के इस मुश्किल दौर में असली देशभक्त कौन है? जो आपकी जान बचाते हैं वो भगवान भी हैं, और मुश्किल समय में देश के लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले ये लोग देशभक्त भी हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही नन्हे देशभक्त से मिलवाएंगे जिसने पटना में बच्चों के वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत की है। पटना एम्स में कल इस बच्चे को वैक्सीन लगाई गई। आज हमने इस बच्चे से मुलाकात की और जब ये पूछा कि आप वैक्सीन के ट्रायल में क्यों शामिल हुए, तो सुनिए इस बहादुर बच्चे ने क्या कहा। इस बच्चे का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, इस बच्चे की पहचान भी हम आपको नहीं बता सकते, इस बच्चे के माता पिता की जानकारी भी हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन इस बच्चे ने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। क्योंकि जिस काम को करने में हमें और आपको डर लगेगा, वो काम इस बच्चे ने इस छोटी सी उम्र में कर दिखाया है। ठीक है, अब किसी ना किसी को तो एक को लेना ही था, वो हम होते या कोई दूसरा बच्चा होता। ये बच्चा कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुआ है, यानी भारत में बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनने वाली है उसके ट्रायल की शुरुआत इस बच्चे से हुई है। बावजूद इसके हम इस बच्चे का चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि कानून के मुताबिक ये सही नहीं है और हम कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि इस बच्चे ने कैसे पूरी मानवता के सामने मिसाल पेश की है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब खतरा तीसरी लहर से है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा होगा। इसके पीछे वजह ये है कि परिवार के बुजुर्गों यानी दादा दादी को वैक्सीन लग चुकी है, 18 साल से ज्यादा की उम्र होने की वजह से मम्मी पापा को वैक्सीन लग चुकी है, तो बचेगा कौन? घर के बच्चे। ऐसे में जब तीसरी लहर होगी तो बच्चों को कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि बच्चों को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम तो बहुत तेजी से चल ही रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान इस वक्त इस बात पर ज्यादा है कि आखिर बच्चों को वैक्सीन लगनी कब से शुरू होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने बच्चों के ऊपर जो है वो वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली एम्स, पटना एम्स और नागपुर के मेडिट्रीना साइंस इंस्टीट्यूट को चुना है। कल यानी 2 जून से पटना एम्स में वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। कल से पटना में शुरू हुए ट्रायल में जिस बच्चे ने सबसे पहले वैक्सीन ली, उनसे और उनके परिवार से जी न्यूज संवाददाता रजनीश कुमार ने बात की और पूछा कि वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने का ख्याल उनके मन में कैसे आया। सुनिए बच्चे के पिता ने क्या जवाब दिया। पहला वैक्सीन जो है बिहार में वो दिया गया है ट्रायल वैक्सीन कोवैक्सीन का, और उनके पिता हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से आगे आए इसको लेके। इसके बारे में मुझे जानकारी मिली कि पटना एम्स में सो बच्चों का ट्रायल वैक्सीन शुरू होने वाला है, तो हमने पटना एम्स में संपर्क किया तो उन्होंने बुलाया शनिवार के दिन, और जो भी जरूरी टेस्ट वगैरह होता है उस दिन एंटीबॉडी टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। फिर इसके बाद वो बोले कि टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर ऐसे हमें खबर किया गया कि आ जाए आप आगे वैक्सीनेशन लीजिए। हमने जाके वहाँ वैक्सीनेशन लिया और 2 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड में वहां रहे, उसके बाद फिर वापस आ गए। 2 जून यानी कल बच्चे को पटना एम्स में वैक्सीन लगी। वैक्सीन लगने के 2 घंटे बाद उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन अब क्या होगा? क्या ट्रायल पूरा हो गया? ये सवाल भी हमने बच्चे के पिता से ही पूछा। वैक्सीन के ट्रायल है, अब आगे किस तरीके से बताया गया कि आगे डोज लेना है और उसके बाद आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है? बताया गया कि 28 दिन के बाद फिर इसका दूसरा डोज दिया जाएगा, और इस बीच में डॉक्टर आपसे फोन पर हमेशा संपर्क में रहेंगे, और डॉक्टर संपर्क में है भी। आज भी सुबह उनका फोन आया था और बच्चे का हालचाल पूछ रहे थे। हमारे साथ बातचीत में वैक्सीन ट्रायल लेने वाला बच्चा भी शामिल था, तो हमने उससे ये पूछा कि ट्रायल के लिए आप आगे क्यों आए, डर नहीं लगा? तो जो जवाब मिला वो देश और दुनिया के लिए मिसाल है। तो वैक्सीन को लेके किस तरीके से आपने बहादुरी दिखाई, कैसे आ गया? बच्चे तो वैक्सीन से बहुत डरते हैं। नहीं, पापा मम्मी बोले कि ऐसा ऐसा, और अगर तुमको लेना है तो बोलो, नंबर लगवाएंगे। तो फिर हम बोले ठीक है, अब किसी ना किसी को तो एक को लेना ही था, वो हम होते या तो कोई दूसरा बच्चा होता। तो वहाँ पे नंबर लगा और मेरा और मेरी दीदी का लगा, लेकिन मेरी बहन का एंटीबॉडी था तो उसको वैक्सीन नहीं मिला, सिर्फ मेरे को वैक्सीन मिला। इस परिवार के और भी बच्चे वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने वाले हैं। प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। घर में और भी बच्चे हैं जो कि इसको लेके इच्छुक थे? हाँ, मेरे भाई के 2 बेटियां हैं जिनके बारे में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उनको भी खबर गया है, वो लोग भी जाएंगे हो सकता है कल रजिस्ट्रेशन के लिए पटना एम्स में।
इस बच्चे की बहन भी ट्रायल में शामिल होना चाहती थी, लेकिन पिछले साल उसे कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से एंटीबॉडी शरीर में मौजूद थी और ट्रायल में शामिल नहीं हो पाई। सिस्टर भी चाह रही, सिस्टर का भी टेस्ट हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर वो कोविड पॉजिटिव हो गई थी, तो उसमें ऑलरेडी अभी एंटीबॉडी डेवलप है, तो डॉक्टर का कहना था कि चूंकि एंटीबॉडी डेवलप है, तो इसलिए उसको इंजेक्शन नहीं पड़ेगा। नियम के मुताबिक अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे ट्रायल में शामिल नहीं किया जा सकता है। उन बच्चों में पहले से टेस्टिंग करके देखें कि उनमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर उनमें एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट है तो इसका मतलब उनको या तो पहले कोरोना हुआ है या एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं या जो भी चीज़ है, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज है। क्योंकि इस अध्ययन में एंटीबॉडीज़ का ही हम अध्ययन करेंगे, तो जिन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है उन लोगों को भी इस परीक्षण में भाग लेने के लिए कहेंगे। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद हमने एक्सपर्ट से वैक्सीन ट्रायल का प्रोसेस जानना चाहा और पूछा कि बच्चों को इसमें कितना खतरा होता है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी, जिसमें कि उनको ट्रायल के बारे में समझाना बताना, फिर उनके कंसेंट फॉर्म साइन जैसे किए जाते हैं कि अगर उन्होंने उसके लिए परमिशन दी है, उसके बारे में सारा कुछ समझाया जाएगा, कब कब ब्लड लेंगे, कितना ब्लड लेंगे, कब वैक्सीन लगेगी, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद उनका जैसे हम ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद सारे परीक्षण करने के उपरांत फिर उनको वैक्सीन दी जाएगी। नहीं, अस्पताल में रखने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी तक के डाटा है उस हिसाब से वैक्सीन सेफ है, पूरा ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ के लिए। टीम में सबसे बड़ी बात है पीडियाट्रिशियंस को भी रखा हुआ है, सारे के सारे जो बच्चे हैं वैक्सीन देने के बाद आधे घंटे तक वहीं पर चिकित्सक की निगरानी में ही रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो जाएगा, इसके बाद नतीजे जारी किए जाएंगे और फिर बच्चों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कुल कितना समय लगेगा, इसे समझने के लिए आप कोवैक्सीन के पुराने आंकड़े देखिए। पिछली बार 15 जुलाई 2020 को कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था, 3 जनवरी 2020 को सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी, यानी तकरीबन 5 महीने ट्रायल चला था। 16 जनवरी से वैक्सीन लोगों को दी जाने लगी थी, यानी करीब 6 महीने में सब हो गया था। तो बच्चों के लिए बन रही वैक्सीन में भी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो अगले 6 महीने में बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लोगों को पहले से ये वैक्सीन दी जा रही है, तो हो सकता है इसके ट्रायल का काम और तेजी से शुरू किया जाए, जिसके बाद अक्टूबर तक ट्रायल खत्म कर दिए जाएं और वैक्सीन के सफल रिजल्ट के बाद बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाए। देशभक्ति पर आपने खूब ज्ञान की बातें सुनी होंगी, लेकिन आप समझिए कि जो बच्चा अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वैक्सीन ट्रायल में शामिल हो रहा है, आज की तारीख में असली देशभक्त है, क्योंकि वो सिर्फ देश ही नहीं पूरी मानवता के लिए काम कर रहा है। पटना से रजनीश कुमार के साथ हरीश झा, जी मीडिया दिल्ली। देखिए, ये हमारे देश के नन्हे वॉरियर्स हैं और मानवता के लिए इन्होंने मिसाल पेश की है, और ये जो बच्चे हैं जिन पर ये ट्रायल शुरू हो गया है, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन बच्चों के लिए भी वैक्सीन लेकर आई जाए देश में। क्योंकि देखिए, जो तीसरी लहर है उसमें माना जा रहा है कि बड़ा खतरा बच्चों के लिए भी हो सकता है, बड़े पैमाने पर बच्चे इस लहर की वजह से प्रभावित हो सकते हैं, और हम इन नन्हे वॉरियर्स को सलाम करते हैं। और साथ ही इस ट्रायल में शामिल डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सी एम सिंह, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वैक्सीन ट्रायल एम्स पटना से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रायल के लिए बच्चों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है और ट्रायल की प्रक्रिया क्या है? देखिए, हमें 2 से 18 साल के बच्चों में इस ट्रायल को करना है, और इसमें अभी शुरुआती समय में हम लोग 12 से 18 साल के बच्चों को इनरोल कर रहे हैं। बच्चों को इनरोलमेंट के लिए डिफरेंट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एक नंबर दिया गया है, उसमें जो भी इच्छुक बच्चे या उनके अभिभावक होते हैं उस फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करते हैं और अपने को रजिस्टर कराते हैं, और फिर हम उनको प्लान करके एक दिन बुला लेते हैं, और आपको उसमें हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, जैसे RT-PCR करवाना होता है, एंटीबॉडी टेस्ट करवाना होता है कोविड के लिए, तो फिर जैसे ही, और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं बच्चे के, तो अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है, बच्चा अदरवाइज हेल्दी है और हमारा जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है ट्रायल का पूरा करता है, तो फिर हम उसको वैक्सीनेट करेंगे। जी, यानी जिन बच्चों को कोरोना हो चुका है, संक्रमित हो चुके हैं, वो इस ट्रायल का हिस्सा नहीं हो सकते?
हाँ जी नहीं, जिनको कोरोना हो चुका है या संक्रमित हो चुके हैं वो ट्रायल में भाग नहीं ले सकते। जी जी। और डॉक्टर सिंह, जिन बच्चों पर ये ट्रायल हो रहा है उन्हें कितनी घंटे मॉनिटर किया जाता है? क्या उन्हें अस्पताल में ही कुछ देर के लिए रोका जाता है? कितने देर तक ये मॉनिटरिंग की जाती है या उन्हें घर भेज दिया जाता है? जी, वैक्सीन लगाने के बाद 2 घंटे हम बच्चों को अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, हमारा जो डॉक्टर का पैनल है उनके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रहते हैं 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद सब अगर ठीक ठाक है तो बच्चों को फिर घर जाने देते हैं, और अभी तक तो सब ठीक ही रहा है। तो मतलब उसके बाद बच्चे घर जाते हैं, और हफ्ते भर तक घर जाने के बाद भी बच्चों का सुबह शाम हमारे डॉक्टर्स फ़ोन करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये प्रक्रिया फॉलो होती है। जी, और कुल कितने बच्चों पर ये अभी ट्रायल हो रहा है? देखिए, देश भर में सारे सेंटर को मिला के 525 बच्चों पे ट्रायल होना है, और सारे सेंटर को मिला के, और उसमें बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6, और हर कैटेगरी के 175, 175 और 175 बच्चों पे स्टडी होनी है। जी, और जिन बच्चों को आप चुनते हैं, जाहिर तौर पर उनके जो परिवार वाले हैं उनसे तो सहमति ली ही जाती होगी, तो वो प्रोसीजर क्या होता है? कंसेंट फॉर्म में क्या क्या बातें शामिल होती हैं जिन पर कुछ हस्ताक्षर कराए जाते हैं? हाँ देखिए, कंसेंट फॉर्म में चूंकि बच्चे माइनर होते हैं तो जो 7 साल के नीचे बच्चे हैं उनके लिए सहमति उनका गार्जियन मतलब मदर फादर या लीगल गार्जियन देते हैं, और 7 साल से 12 साल के बच्चे जो हैं वो अपनी सहमति वर्बल सहमति उनसे उनकी भी ली जाती है, और 12 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनसे भी रिटेन सहमति लेते हैं जिसको हम लोग असेंट बोलते हैं, और उनके मदर फादर या लीगल गार्जियन दोनों का बच्चे का असेंट और गार्जियन का या पेरेंट का कंसेंट ली जाती है। तो कंसेंट लेने के पहले ट्रायल के बारे में सारी जानकारी उनको बता दी जाती है कि मतलब हम इसमें कैसे आगे बढ़ते जाएंगे ट्रायल में, फिर उनको कितनी बार ट्रायल में आना होगा, और मतलब इवन सारी डिटेल उनको उनकी भाषा में समझाई जाती है। और चूँकि माइनर है तो जो कंसेंटिंग की प्रोसेस है उसको हम रिकॉर्ड करके भी रखते हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो यही है कि उनको सारे ट्रायल की इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, बच्चा और अगर पेरेंट्स सहमत हैं तभी फिर हम उनको स्टडी में पार्ट इनरोल करते हैं। जी, और डॉक्टर सिंह, बहुत से लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, हो सकता है कि वो भी चाहें कि वो भी वॉलंटियर बने और इस ट्रायल का हिस्सा बने, तो बच्चों के लिए कितना खतरा हो सकता है इस ट्रायल में शामिल होना? देखिए, बच्चों के लिए अभी तो रिसर्च ऑनगोइंग है और रिपोर्ट समय के साथ ही आएगी, लेकिन अभी अगर हम देखें जो सेम वैक्सीन बड़ों में दी गई है और दी जा रही है बल्कि ऑल ओवर इंडिया, और बड़ों में पूरी तरह सुरक्षित है और इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, सेम वैक्सीन दे रहे हैं, तो अभी तो इतनी इन्फॉर्मेशन है जो हम उनके मदर फादर को देते हैं, और उम्मीद यही है कि जैसे बड़ों में ये इफ़ेक्टिव रही है, सुरक्षित रही है, वैसे बच्चों में भी आएगी। जी, यानी कि जो बड़ों को जो वैक्सीन दी जा रही है डॉक्टर सिंह, उसका जो कंटेंट कहें, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, या जो टेक्निक है, वो वही है जो आप बच्चों को दे रहे हैं, या इसमें भी कोई, आपने आपकी स्टडीज बताती हैं कि कोई रिस्क फैक्टर हो सकता है जिसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है बच्चों के लिए जो वैक्सीन बन रही है उसमें? देखिए, ट्रायल में बहुत सारी डिटेल की बात हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ट्रायल का अपना एक मर्यादा होता है। ऑलमोस्ट सेम वैक्सीन है, कुछ जो उसमें एडजुवेंट होते हैं उसमें हम बच्चों के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ट्रायल की इन्फॉर्मेशन इतनी ही बता सकते हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर सिंह, ट्रायल में कितना वक्त लग जाएगा, इसके कितने फेजेस होंगे, कितना इंतज़ार लोगों को करना होगा, और कब ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी बच्चों के लिए?
ये अभी कहना थोड़ा जल्दी है। ट्रायल में जैसे हम बच्चों को 28 दिन बाद तो सेकेंड डोज देंगे, उसके बाद 56 डेज पे हम उनका एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, फिर 118 दिन पे टेस्ट करेंगे, इसी तरह और भी इंटरवल पे हम टेस्ट करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी रिएक्टोजेनिटी रहती है, कैसा इम्यूनिटी कैसे बन रही है बच्चों में, सेफ्टी का क्या प्रोफाइल है, उसके बेसिस पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो डिसीजन लेते हैं कि ये वैक्सीन को लाइसेंस करना है नहीं करना है, जो भी प्रोसेस है। तो एक सेट पैटर्न है, उसी के तहत ये वैक्सीन अगर सब ठीक रहा तो फिर मार्केट में आएगी। अभी दिन बताना, फिर भी डॉक्टर सिंह, अगर अमूमन मैं कहूं कि 4 महीने 5 महीने क्या साल के अंत तक हम माने कि बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, आपको लगता है कि ये हम पूरा कर पाएंगे? डिपेंड करता है कि ट्रायल का रिजल्ट कैसा रहता है। अगर ट्रायल का रिजल्ट, मतलब अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि 56 दिन में हम देखेंगे सीरो कन्वर्जन को, तो 56 डे में अगर सीरो कन्वर्जन रहता अच्छा है और सेफ्टी प्रोफाइल अच्छी है, तो उसके बाद हम डेटा, जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड होता है और DCGI को सबमिट होते रहते हैं, तो जैसे ही रिजल्ट इनकरेजिंग होंगे और सेफ होगी वैक्सीन, वैसे ही इसको परमिशन मिलेगी और उसके बाद आएगी, लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो अभी इतना ही जानकारी है मेरे पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह जी ये जानकारी देने के लिए, और जो लोग आपको सुन रहे हैं काफ़ी जानकारी आपने शेयर की है, और ये ट्रायल चल रहा है और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो, क्योंकि तीसरी लहर में माना जा रहा है कि बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।